पाथ पे सर्कल पे जिसका रेडियस आर दे रखा है एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड बी उसका स्पीड भी बी दे रखा है फिर तो लिखा है व्हाट इज द द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय ए डिटेक्टर टी ओके तो यहाँ हमें देखो रेशियो बताना है कि जो हमारा डिटेक्टर है वो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रिक्वेंसी कितना डिटेक्ट करेगा उनका रेशियो बताना है और डिटेक्टर एट रेस्ट डिटेक्टर जो है वो कहाँ पे है रेस्ट पे है एट ए डिस्टेंस टू आर और कितना डिस्टेंस पे है टू आर डिस्टेंस पे है फ्राम द सेंटर ऑफ द सर्कल एस इन न फिगर तो सर्कल के सेंटर से जो डिडेक्टर है उसका डिस्टेंस टू आर दे रखा है ओके okay, और डिडेक्टर जो है वो क्या है मेरा रेस्ट पे है ओके okay, और टेक स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर एस सी तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में वो हम सी लेना है यहाँ पे ओके okay, तो देखो हमें रेशियो बताना है स्मॉलेस्ट फ्रिक्वेंसी और और लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी का रेशियो जो कि हमारे डिडेक्टर डिटेक्ट करेगा ओके okay. तो यहाँ देखो ये क्वेश्चन किससे होगा यहाँ हमने पढ़ रखा है टोपलर इफेक्ट ओके okay. तो यहाँ पर जो डिडेक्टर है मतलब कि ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे है ओके okay. और जो हमारा सोर्स है मतलब कि ये जो विसल है ये क्या है मेरा एक सोर्स है ओके okay. तो ये क्या कर रहा है मेरा मूव कर रहा है ओके okay. रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी होंगी लार्जेस्ट uh, फ्रिक्वेंसी के लिए क्या होगा ओके लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी का मतलब हुआ उसे जो फ्रिक्वेंसी है वो तेज़ सुनाई देगी जब ये विसल इसके पास होगा मतलब कि इस वाले सिरे पे होगा तो देखो वो दो पोजीशन क्या होंगी ओके okay, तो यहाँ यहाँ पे ये हमारी दो पॉसिबिलिटी हैं ओके तो लार्जेस्ट uh, फ्रिक्वेंसी के लिए क्या होगा ये इसको अप्रोच कर रहा होगा वेसल मतलब कि इस साइड में आ रहा होगा तो लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी इस वाली कंडीशन में मिलेगी और जब ये इस पॉइंट को छोड़ता हुआ जा रहा होगा डिटेक्टर से दूर जा रहा होगा तो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी का उसको आवाज सुनाई देगा ओके okay, तो ये क्वेश्चन होगा मेरा अकॉर्डिंग टू द डोपलर्स इफेक्ट ओके तो यहाँ पे क्या होगा लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी इज गिवन बाई उसको मैं मान रहा हूं एफ टू से ओके okay, तो यहाँ पे एफ टू इज इक्वल टू क्या होगा डोपलर इफेक्ट में क्या होता था कि न्यू इज इक्वल टू न्यू नोट नेचुरल फ्रिक्वेंसी तो मतलब कि न्यू है मतलब कि चलो यहाँ पे मैं एफ टू से मान रहा हूं लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी को मतलब कि फ्रीक्वेंसी को यहाँ मैं कर रहा हूँ एफ से ओके तो वो जाएगा सी स्पीड ऑफ साउंड अपॉन सी माइनस वी ओके इनटू में एफ ओके ये क्या है मेरा लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे जो बी है मेरा स्पीड ऑफ सोर्स ओके ये जो वी है यहाँ पे मेरा स्पीड ऑफ सोर्स है और सी क्या है यहां पे मेरा स्पीड ऑफ साउंड ओके ये दिया है अब देखो सी क्या है स्पीड ऑफ साउंड और एफ जो माना है मैंने जो कि न्यू है तो चलो अगर एफ को मैं न्यू से रिप्लेस कर दूं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है इनिशियल फ्रीक्वेंसी है मेरा ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा न्यू टू लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टी ओवर सी माइनस बी इन टू में न्यू ओके ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया फोर द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी ओके अब देखो एंड द स्मोलेट फ्रीक्वेंसीड वेन दोर्स इज मतलब दूर जाओगे लाइन ज्वाइनिंग ओके तो यहां पर क्या होगा फोर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा तो यहां पर फ्रीक्वेंसी के लिए मैं क्या मान लूंगा न्यू वन इज इक्वल टू अब देखो वो उससे दूर जा रहा है तो यहाँ पे जो इनिशियल फ्रिक्वेंसी का मतलब कि जो सोर्स है वो उससे दूर जा रहा है स्पीड ऑफ सोर्स तो वो किस में जाएगा निगेटिव में ओके okay. तो यहाँ से क्या जाएगा सी ओवर सी ये किस में हो जाएगा प्लस का वी इंटू में न्यू ओके okay. ये हो गया क्या मेरा इक्वेशन सेकेंड ओके अब मुझे रेशियो बताना था देखो दोनों फ्रिक्वेंसी मुझे मिल गई लोएस्ट फ्रिक्वेंसी भी और लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी भी ओके तो रेशियो बताना था लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का नाउ द रेशियो नाउ द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रिक्वेंसी ओके मतलब कि न्यू टू बाई न्यू वन का रेशियो हमें निकालना है तो न्यू टू कितना है मेरा यहाँ पे c ओवर c माइनस वी इन टू में न्यू और अपॉन में यहां क्या आ जाएगा c ओवर c प्लस वी में न्यू तो यहां से न्यू से न्यू कैंसिल आउट हो रहा है c से c कैंसिल आउट हो रहा है और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो आ रहा है लार्जेस्ट अपॉन में स्मोलेस्ट न्यू वन वो किसकेक्वल है सी प्लस बी डिडेड बाई सी माइनस वी के इक्वल ओके तो ये मेरा आंसर है हमसे यही पूछा था यहाँ पे कि जो फ्रीक्वेंसी है वेसल का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट उनका रेशियो क्या होगा तो यहाँ पे आ रहा है सी प्लस वी अपोन में सी माइनस वी के इक्वल तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो यहाँ पे देखो ऑप्शन फर्स्ट दिया है मुझे सी प्लस वी डिवाइडेड बाई सी माइनस वी लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउट नेटअ या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर